हाय, कभी आपने सोचा है कि जो फुटपाथ पे जो बोगनविलिया होता है वो तो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है, लेकिन जब हम प्लांट को कभी हम खरीदते हैं और फिर उसको घर पे लेके आते हैं तो उसकी फ्लावरिंग नहीं होती। तो इस वीडियो में आपको जल्दी से मैं बोगनविलिया के थोड़े से टिप्स दे देता हूँ कि उसको कैसे हम केयर करें उसकी, जिससे वो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करे। और जिस तरह रोड साइड में फ्लावरिंग करता है उसी तरह हमारा प्लांट भी फ्लावर से भर जाए। सबसे पहली चीज़ है उसकी सॉइल। सॉइल हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी प्लांट के लिए, बोगनविलिया के लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉइल जो है न्यूट्रिशियस होनी चाहिए और वेल ड्रेनिंग होनी चाहिए। वेल ड्रेनिंग का मतलब है जितना भी आप उसमें पानी डालें वो सोक कर ले पानी को जितना उसे चाहिए, बाकी जितना भी एक्सेस मॉइस्चर है वो बाहर निकाल दे, वो रिटेन ना करे, जिससे सॉगी ना बने सॉइल। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सनलाइट। अपने बोगनविलिया को कम से कम 7 से 8 घंटे की सनलाइट दीजिए, जिससे वो बहुत अच्छी फ्लावरिंग करें। और पानी इसको कम से कम दीजिए, जब आपको लगे सॉइल सूख गई है, जैसे अभी हमारी पूरी गीली सॉइल है, तो इस समय इसको वाटरिंग की ज़रूरत नहीं है। जब सॉइल सूख जाए पूरा अच्छे से तब इसकी वाटरिंग करिए, बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी।